नमस्ते नमस्ते मैम, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। जी धन्यवाद, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। एक 5 मिनट तक हम राहत देखते हैं, 5 मिनट के बाद तुरंत शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। स्वाति जी मंच पर आ चुकी है, स्वाति जोशी हाँ अभी जुड़ चुकी है, वो आज का संचालन वो कर रही है। नमस्ते, नमस्कार मानी साहेब, नमस्ते जी जी नमस्ते। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मानेसर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पे एक मंच पे उपस्थित किया। स्वाति, स्वाति जोशी जी सुनाई दे रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि मैम? हाँ आ रही है, मैंने अभी आपको आवाज दी थी। हाँ आवाज नहीं आ रही थी। अच्छी हाँ, तो अभी मैं फिर से हाँ अभी आ रही है। हाँ तो अभी फिर से मैं शुरू करती हूँ। हाँ एक दो मिनट, क्योंकि सम्माननीय सदस्य अभी दो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो नहीं आए क्या? हाँ दो लोग जुड़ने वाले हैं बाकी। अभी मुझे लगता है कि आशा मिश्रा जी और अन्य और कोई तो रह गया है, एक दो मिनट में जुड़ जाएंगे, शुरू करेंगे दो मिनट में। ओके ओके।
माने जी क्या शुरू करें? सीताराम माने जी आपका म्यूट कीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। म्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो चिन्ह दिखाई दे रहा है माइक का, आ रही है आवाज अभी? जी अभी आ रही है। जी 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 अभी शुरू करें क्या? हाँ बिल्कुल, घुमा दीजिए, नहीं आए क्या? हाँ वही तो दिखाई नहीं दे रही है, एक बार देखो उन्हें। जी घुमा दीजिए, नहीं आए अभी। जी मैं जाऊँ फोन रहता था, दो मिनट बाद जोड़ता हूँ मैम, दो मिनट के बाद जोड़ता हूँ मैं। जी अभी वो जुड़ रही है, दो मिनट के बाद जोड़ता हूँ मैं। जी ऐसी मीटिंग रही तो खाली एक रूम ले लेके बैठना पड़ा था, भी लगा के शायद नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। जुड़ जाएंगी वो, अभी जुड़ने का प्रयास कर रही है अभी। हाँ जुड़ गए, जुड़ गए। जी तो शुरू करें आप। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, मैं डॉक्टर स्वाति जोशी शब्दांकित साहित्य मंच के हिंदी दिवस के कवि सम्मेलन में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। शब्दांकित साहित्य मंच की संस्थापिका डॉक्टर नयन राजवाड़े मैम और आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षा श्रीमती उमा देवी सोनी जी मैम, इनका मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। और सभी श्रेष्ठ कवि और कवित्रियों को कवित्रियों का मैं शब्दांकित साहित्य मंच पर सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं सरस्वती वंदन से स्वागत करती हूँ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। और हिंदी दिवस के ऊपर जो हम कवि सम्मेलन है उस पे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र की वाणी होती है। भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन मात्र है, लेकिन इस साधन में वह बल है जो दुनिया को बदल सकता है। विभिन्नताओं के बीच एक भाषा ही है जो एकता का आधार बनती है और अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से ही गूंजता है। हम सभी को इस एकता के साधन को सम्मान करना चाहिए। हिंदी भाषा न सिर्फ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है बल्कि हम भारतीय के शीतल हृदय में प्रवाहित होती है। हिंदी भाषा हमारे धड़कनों से जुड़ी भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा हम सब का अभिमान है और भारत देश की शान है। हिंदी हृदय से, हिंदी श्वास से शब्द, कथन से कविता,
दर्शन से दर्पण, स्वर से साहित्य और साहित्य से श्रुति और श्रुति से श्रीमद और श्रीमद से ज्ञान और ज्ञान से प्रेम और प्रेम से हृदय और फिर हृदय से हिंदी। शब्दांकित साहित्य मंच की संस्थापिका डॉक्टर नयन राजमाने मैडम को मैं प्रस्ताविक सादर करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा गला खराब होने की वजह से बीच बीच में थोड़ा सा व्यत्यय आ सकता है। शब्दांकित साहित्य मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम तथा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शब्दांकित साहित्य मंच की ओर से इस आभासी पटल पर हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हिंदी काव्य सम्मेलन में आप सबका फिर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कवयित्री साहित्यकार उमा देवी सोनी जी तथा सम्माननीय सूरज कुमारी गोस्वामी जी जो हैदराबाद से ही है, दीपशिखा पाठक जी जो उत्तर प्रदेश से है, आशा मिश्रा जी जो हैदराबाद से है, अब्दुल जब्बार जी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है, सोनाली शिरपुरकर जी जो हैदराबाद से है, सीताराम माने जी जो हैदराबाद से है, जिन्होंने इन सब सबसे हमें मिलाया है, तो ये हमारे मध्य बिंदु रहे हैं। इनके कारण इन सभी सम्मानित कवियों से हमारा परिचय आज होने जा रहा है। साथ ही में रेणापुर तालुका के खलंगरी में रहने वाले सीताराम माने जी ये हमसे भी उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूल उनका जो गांव है वो महाराष्ट्र में है और उनका कार्यक्षेत्र जो है वो हैदराबाद है, तो इन दो कड़ियों को जोड़ने का काम वे हमेशा करते हैं। इससे पहले भी हमने कवि सम्मेलन लिया था, याद पुस्तका और बोलू कही इस प्रकार की जो उपक्रम हमने लिए उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा नए लोगों को परिचित कराया था। साथ ही में लातूर के मशहूर गजलकार सुरेश गिर सागर जी तथा शब्दांकित की सभी सम्माननीय सदस्य जो आज कवि सम्मेलन में जुड़ गई हैं। लगभग 2 घंटे तक ये कवि सम्मेलन चलने वाला है और हमारी सूत्र संचालन करने वाली स्वाति जोशी जी इन सब का परिचय देने वाली है, तो मैं इसमें ज्यादा समय ना गवाते हुए कुछ मंच के उपक्रम आप तक पहुंचाना चाहूंगी। शब्दांकित साहित्य मंच विगत अनेक सालों से मराठी भाषा में या हिंदी भाषा में भी कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी सफलता से करता आ रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों तरह के कार्यक्रम शब्दांकित साहित्य मंच लेता है। इसमें कवि सम्मेलन, पुस्तकावर बोलू कहीं, इसमें किसी एक मौलिक रचना पर विद्वज्जन अपनी बात रखते हैं। विशेष रूप से रचनाकार इसमें उपस्थित रहते हैं कि जिनकी रचना पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वे रचनाकार भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ ही में कार्यशालाओं का आयोजन भी हमने किया है। इस मंच की ओर से विशेष कार्य जो व्यक्ति करते हैं या जिन्हें कुछ पुरस्कार प्राप्त है तो व्यक्ति विशेष का भी सम्मान यहाँ पर किया जाता है। साथ ही में कहानी पाठ का भी इस मंच की ओर से प्रयास किया जाने वाला है और अभी अभी प्रातिनिधिक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, शब्द गंध और शब्द रंग और भावगंध, और कोलाज नाम का कहानी संग्रह अभी आ रहा है। ये तीनों रचना जो किताबें हैं वो प्रातिनिधिक सबकी है। मंच पर जो भी इसमें रुचि लेता है उन सबको हम उसमें समेट लेते हैं। अब आगे जाकर बाल साहित्य का भी काव्य संग्रह या कहानी संग्रह निकालने की हमारी मंशा है। दरअसल हमने ऑनलाइन कार्यक्रम लेना शुरू किया वो कोरोना महामारी के कारण हमारे मन मस्तिष्क पर जो भय था उसके कारण हम बहुत ज्यादा निराश रहते थे, तो उससे बाहर निकालने की कोशिश शब्दांकित मंच की ओर से की गई और ऑनलाइन कार्यक्रम लेने शुरू किए। इसका एक फायदा ये हुआ कि अनेक लोग उससे जुड़ने लगे, केवल गांव में रहने वाले ही लोग नहीं तो बाहर के प्रांत के लोग भी इससे जुड़ने लगे, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ है, कोकण है, आंध्र प्रदेश है,
इस प्रकार से लोग जुड़ने लगे। साथ ही में अभी कुछ दिनों से हमारे साथ बातचीत हो रही है कि प्रदेश में रहने वाले लोग भी मंच पर आना चाहते हैं, तो अगले माह या उसके माह में, अगले माह में ये जो बाहर रहने वाले लोग हैं, प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, उनके साहित्यिक जो कृतियां हैं उन पर भी मंच कार्यक्रम लेने वाला है। तो इस प्रकार से मंच पर अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए जो भी कोई जुड़ना चाहता है उन्हें हम सम्मान के साथ निमंत्रित करते हैं। और इसी बात पर मैं पुनः एक बार अभिव्यक्ति देने के लिए सभी को निमंत्रित करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। और एक बार केवल आपको सबको शब्दांकित साहित्य मंच की जो कार्यकारिणी है हमारी, तो उनके नाम थोड़ा सा मैं बता दूं कि कौन कौन इस पर काम करता है और ये मंच इतनी अच्छी तरह से क्यों चलता है। विशेष तौर पर यह मंच इतनी अच्छी तरह से चलता है तो पूरी की पूरी महिलाएं हैं। हम महिलाएं केवल महिलाओं को ही निमंत्रित नहीं करती कार्यक्रम के लिए, तो पुरुष और महिलाएं दोनों निमंत्रित होते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी कार्यक्रम में हम उन्हें निमंत्रित करते हैं। तो शब्दांकित साहित्य मंच की स्थापना मैंने की है, तो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मैं नयन राजमाने इस 2 साल की शब्दांकित साहित्य मंच की जो अध्यक्ष है वो है विजया भणगे मैम, जो नायब तहसीलदार के रूप में अभी सेवानिवृत्त है। वैसे 2 साल के बाद हम अध्यक्ष रूप या पूरी कार्यकारिणी ही बदल देते हैं। सचिव के रूप में उषा भोसले जी काम कर रही है, उपाध्यक्ष के रूप में उमा कोल्ले जी है, कोषाध्यक्ष के रूप में प्राध्यापक डॉक्टर क्रांति मोरे और सह सचिव के रूप में नीलिमा देशमुख जी काम कर रही है, प्रसिद्धि प्रमुख के तौर पर प्राध्यापक सुलक्षणा सर्वदे जी काम कर रही है, और सलाहकार मंडल में एडवोकेट रजनी गिरवलकर जी, रुशाली पाटिल तथा शैलजा कारंडे जी, ये सब महिला कार्यकारिणी है जो बहुत अच्छे से अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मंच के लिए समय देती है और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी, मेरे वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी और सभी सूत्र स्वाति के पास। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हिंदी दिवस के कवि सम्मेलन में अध्यक्षा के रूप में जिन्होंने अध्यक्षीय स्थान ग्रहण किया है वह श्रीमती उमा देवी सोनी जी, में इनको मैडम, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनका मैं परिचय देती हूँ। श्रीमती उमा देवी सोनी जी मैम हैदराबाद से है, हिंदी की प्राध्यापिका है, साहित्य सेवा समिति की उपाध्यक्षा भी है। हिंदी की सभी विधाओं में इनकी रचनाएं है, कविताएं, गीत, गजल, मुक्तक, भजन, भक्ति गीत, लोक गीत, सभी विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया है। अन्य विधाएं, कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध, मूल्यांकन, सभी हिंदी की विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। राही पत्रिका की ये संपादिका भी है। प्रकाशित रचनाएं गद्य पद्य दोनों रूपों में है। स्वतंत्र वार्ता, शिक्षण, दक्षिण हिंदी समाचार पत्र, अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित हुए हैं। भारत की अनेक संस्थाओं से इनको सम्मानित किया गया है। यह बहुत बड़ी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमें अध्यक्ष के रूप में मिली है, यह हमारा सौभाग्य है। मैं अध्यक्ष महोदय जी को विनती करती हूँ कि वो आपकी रचना प्रस्तुत करे और अध्यक्ष समापन में भी आपको एक रचना प्रस्तुत करनी है। अध्यक्षा उमा देवी सोनी जी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सभी को नमस्कार। आपने जो पद दिया है मुझे उसके लिए मैं आभारी हूँ और पहली बार आपके मंच से जुड़ रही हूँ, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। मेरा मैं आभारी हूँ आपकी कि आपने अपने मंच पर मुझे बुलाया और अध्यक्ष पद दिया है, जिसके लायक मैं हूँ या नहीं हूँ नहीं मालूम, लेकिन आपने दिया है, मुझे बहुत बहुत गर्व है उस बात का। धन्यवाद। पहली बार मुझे रचना सुनाना पड़ेगी, मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाई।
तो सरस्वती वंदना करूं क्या? कीजिए। हाँ, सरस्वती वंदना से अपना वो कार्यक्रम होता है ना, तो मैं सरस्वती वंदना करती हूँ पहले। कीजिए, पड़ेगा एक मिनट। सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है हिंदी के लिए, हिंदी दिवस के लिए हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, हिंदी दिवस के लिए हो रहा है, हिंदी पे हमें बहुत गर्व है जैसे आपने बताया है। और हम सब साहित्यकार उसी पर गर्व करते हैं, उसी में रचनाएं लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए सरस्वती वंदना करती हूँ और मेरी स्वरचित रचना है, सुनिए। शारदे मासे विनय। के मैं कैसे मनाऊं तुम्हें शारदे माँ, मैं कैसे मनाऊं तुम्हें शारदे माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, ज्ञान की ज्योति तुम जगमगा दो, करो कृपा ऐसी कलम भी उठा लो, ज्ञान की ज्योति तुम जगमगा दो, करो कृपा ऐसी कलम भी उठा लो, रचना लिखाने की सहायक बनो माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, रचना लिखाने की सहायक बनो माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, ये वीणा बजा दो स्वर भी सजा दो, भरूं तान ऐसी मधुरी माँ भी ला दो, ये वीणा बजा दो स्वर भी सजा दो, भरूं तान ऐसी मधुरी माँ भी ला दो, रसिक कंठ करके सुरीला करो माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, रसिक कंठ करके सुरीला करो माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, उमा तेरी सेवा में रहती सदा ही, मेरी शारदे माँ ने बिगड़ी बना दी, उमा तेरी सेवा में रहती सदा ही, मेरी शारदे माँ ने बिगड़ी बना दी, सिर पे हाथ रख कर साहस भरो माँ, सिर पे हाथ रख कर साहस भरो माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, मैं कैसे मनाऊं तुम्हें शारदे माँ, अंधेरा है दिल में उजाला करो माँ, उजाला करो माँ, उजाला करो माँ। नमस्कार। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना की मैम जी।
धन्यवाद धन्यवाद। अभी और एक रचना हिंदी दिवस पर करने वाले हैं क्या प्रस्तुत? हाँ जी, अभी करूं या बाद में करूं? हाँ नहीं, ओके, बाद में कर सकते, समापन के लिए भी आपको एक रचना प्रस्तुत करनी है। हाँ, जब कर दूंगी मैं। ओके, जब ठीक है, एक रचना करती हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बाद में कीजिए। तो अभी अब्दुल जब्बार सर, इनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। वो है क्या जब्बार सर? शायद थोड़ी देरी से जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें उनके कोई रिश्तेदार अस्पताल में थोड़ा सीरियस है, तो उनको ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, तो वो बाद में जुड़ जाएंगे। आगे बढ़िए आप। ओके ओके, ठीक है। तो मैं फिर आमंत्रित करती हूँ सविता धर्माधिकारी मैम। जुड़ गई क्या हूँ मैम? है क्या सविता धर्माधिकारी मैम? इनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सविता धर्माधिकारी मैम, सविता जी है मंच पर, वो अभी अनम्यूट हो जाइए। उनका कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया शायद, वो लेफ्ट हो चुकी है। ओके, आगे बढ़िए, जुड़ जाएंगी वो। ओके ओके, सूरज कुमारी गोस्वामी मैम, वो जुड़ गई है क्या? सूरज कुमारी गोस्वामी जी, वो मंच पर उपस्थित है। हाँ, सूरज कुमारी गोस्वामी मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इन्होंने क्रांति ज्योति से ज्ञान ज्योति राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अथर्व गिल्ड ऑफ इंडिया पारितोषक भी इनको मिला है। राज्यशाह के उत्कृष्ट साहित्य सेवा पुरस्कार से भी वो सम्मानित किया गया है। बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। तरी आम्मी बोलत नहीं, यह कविता संग्रह 2024 में इनका प्रकाशित हुआ है। आदरणीय गोस्वामी मैम, मंच पर आपकी रचना प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मंच को नमन, सभी साथियों को नमस्कार। शब्दांकित साहित्य मंच के आयोजित द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर जो ये प्रोग्राम रखा है, इसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी शब्दांकित मंच का धन्यवाद। सीताराम माने जी का धन्यवाद। अध्यक्ष को नमस्कार, नमन। सभी साथियों को नमन, सभी को नमन। सगरकर का नाम सुना और बहुत आनंद हुआ कि मैं उनको फेसबुक पे पढ़ती हूँ, आज वो यहाँ उपस्थित है। तो मैं मेरी रचना प्रस्तुत करती हूँ। रचना का नाम है हिंदी। अभिमान मुझे, हाँ बोलू मैं हिंदी। अभिमान मुझे, हाँ बोलू मैं हिंदी। अभिमान मुझे, बोलू मैं बोली हिंदी। वाणी में घोलू मैं हिंदी, वाणी में घोलू मैं हिंदी। प्यारी भाषा मेरी हिंदी, प्यारी भाषा मेरी हिंदी। दुनिया में न्यारी है हिंदी, दुनिया में न्यारी है हिंदी। सबसे प्यारी भाषा हिंदी, सबसे प्यारी भाषा हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। साहित्यकारों की जान है हिंदी, साहित्यकारों की जान है हिंदी। जन जन बोले यहाँ हिंदी, जन जन बोले यहाँ हिंदी। संतन की वाणी थी हिंदी, संतन की वाणी थी हिंदी। अनमोल बोली है ये हिंदी, वंदन नमन तुझे ये हिंदी, वंदन नमन तुझे ये हिंदी। डर लगता है, डर लगता है अंग्रेजी के आगे घुटने टेके ना ये हिंदी। अंग्रेजी के आगे घुटने टेके ना मेरी हिंदी। प्यारी हिंदी, अपनी हिंदी, वाणी हिंदी, सबकी हिंदी, हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा है हिंदी। धन्यवाद मंच पर। बहुत ही अच्छे मैम, हिंदी दिवस के लिए बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। मैं अब मंच पर नीलिमा देशमुख मैम को आमंत्रित करती हूँ। नीलिमा देशमुख मैम, लिखना पढ़ना कविता प्रस्तुत करना इनकी रुचि रही है। हिंदी का
यह काव्य संग्रह हिंदोळा यह काव्य संग्रह मैडम मी मनोकाता कोण सविता मैडम सविता मैडम आता तुम्ही नंतर म्हणा नीलिमाचं नाव घेतलेलं आहे नीलिमाचा परिचय देतात मैडम बरं नीलिमाचं झाल्यावर लगेच माझं गेलं मी गाडी रेंज आहे ठीक आहे नीलिमा देशमुख मॅम नीलिमा देशमुख मॅम नीलिमा देशमुख मॅम लिखना पढना कविता प्रस्तुत करना ये उनकी रुचि रही है हिंदोळा यह काव्य संग्रह प्रकाशित है इनका अभिनय उखाणा यह संग्रह प्रकाशित है श्रीमती लातूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मैं मैम को उनकी रचना प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ नीलिमा देशमुख मैम नीलिमा जी आप हैं मंच पर शायद उन्हें भी कोई दिक्कत आ गई है चलिए आगे बढ़िए दीपशिखा जी पाठक मैम है क्या दीपशिखा जी पाठक मैम मैडम सविता मैडम ना सविता मैडम ना उधर घ्या कारण घेऊ का ठीक आहे हां त्या प्रवासामध्ये आहे तर त्यांना घ्या अगोदर ओके ओके सविता धर्माधिकारी मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ धर्माधिकारी मैम कवयित्री और लेखिका है काव्य प्रेमी शिक्षक मंच लातूर जिला अध्यक्ष है राष्ट्र शिल्प पुरस्कार नारी रत्न पुरस्कार इन्हें इनसे सम्मानित हुआ किया गया है बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है 2024 का आदर्श शिक्षक पुरस्कार भी इनको इनको सम्मानित किया गया है संपूर्ण अंधार सारा यह उनका स्वरचित काव्य संग्रह है सविता धर्माधिकारी मैडम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनकी रचना प्रस्तुत करने के लिए सविता धर्माधिकारी आदरणीय मंच को नमस्कार मैं अभी मेरी रचना सुना रही हूँ मेरी रचना का नाम है बदलाव पुरानी चीज भूलकर हम नई अपनाते हैं पुरानी चीज भूलकर हम नई अपनाते हैं शिक्षा और राजनीति में भी बदलाव तो जरूरी है शिक्षा और राजनीति में भी बदलाव तो जरूरी है अब पाठशाला भी बिक रही है चंद पैसों के वास्ते अब पाठशाला भी बिक रही है चंद पैसों के वास्ते कंत्राटी से काम चलेगा अध्यापक हो गए हैं सस्ते कंत्राटी से काम चलेगा अध्यापक ही हो गए हैं सस्ते हर गांव में मध्य मिलेगा हर गांव में मध्य मिलेगा मध्यालय हो गए सस्ते हर गांव में मध्य मिलेगा मध्यालय हो गए है सस्ते संयुक्त स्कूल निर्णय के वास्ते स्कूल चलाना मुश्किल है स्कूल चलाना मुश्किल है शिक्षा छात्र ले रहे हैं टैब से शिक्षा छात्र ले रहे हैं टैब से इंटरनेट से जुड़े हुए शिक्षा छात्र ले रहे हैं टैब से इंटरनेट से जुड़े हुए शिष्टाचार तो भूल गए अब टीवी तो जरूरी है शिष्टाचार तो भूल गए अब टीवी तो जरूरी है नव युवक का नया अभियान नव युवक का नव अभियान गर्लफ्रेंड से उसकी पहचान नव युवक का नया अभियान गर्लफ्रेंड से उसकी पहचान हैप्पी न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे पे पार्टी तो जरूरी है हैप्पी न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे पे पार्टी तो जरूरी है रक्षक ही हो रहे हैं भक्षक रक्षक ही हो रहे हैं भक्षक अब नारी की परीक्षा है रक्षक ही हो रहे हैं भक्षक अब नारी की परीक्षा है अब कोई कृष्ण नहीं आएगा खुद ही शस्त्र उठाना है अब कोई कृष्ण नहीं आएगा खुद ही शस्त्र उठाना है अपना परिवार संभालने को आत्मनिर्भर तो बनना है अपना परिवार संभालने को आत्मनिर्भर तो बनना है अत्याचार से सजा दिलाकर नारी को दुर्गा बनाना है अत्याचारियों से सजा दिलाकर नारी को दुर्गा बनाना है वफादारी की राजनीति
कुर्सी के वास्ते खिचड़ी हुई, वफादारी की राजनीति कुर्सी के वास्ते खिचड़ी हुई, देश की उन्नति के कारण राजनीति भी बदल गई, देश की उन्नति के कारण राजनीति भी बदल गई। नौकरी आरक्षण से मिलती नहीं, नौकरी आरक्षण से मिलती नहीं, पैसा कमाने परदेश जाते हैं। नौकरी आरक्षण से मिलती नहीं, पैसा कमाने परदेश जाते हैं। माँ बाप को मिलने समय नहीं, अब वृद्धाश्रम तो जरूरी है। माँ बाप को मिलने समय नहीं, अब वृद्धाश्रम तो जरूरी है, वृद्धाश्रम तो जरूरी है। धन्यवाद। बहुत ही वास्तववादी सुंदर कविता प्रस्तुत की है मैम, बहुत ही वास्तववादी कविता, बहुत ही अच्छी कविता है। धन्यवाद मैम। अभी ऐसा ही जमाना आ गया है, इसलिए बदलाव जरूरी है, इसलिए बदलाव यह कविता मैंने हिंदी में रची है। धन्यवाद। सभी इसमें सभी आ गया है, राजकारण समाजकारण सब कुछ आ गया है इसमें, बहुत ही सुंदर है। ओके, अब मैं मंच पर दीपशिखा जी पाठक मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दीपशिखा जी मैम 15 बरस से हिंदी की विभाग अध्यक्ष का पद में कार्यरत है। उन्हें टेलबी और भाग्यनगर कलाभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट पदवी भी उनको प्राप्त हुई है। मैम को शब्दांकित साहित्य मंच पर उनकी रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीपशिखा पाठक, दीपशिखा जी पाठक। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। तो माँ शारदे को नमन करती हुई मैं दीपशिखा पाठक अपनी रचना की शुरुआत करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य को मेरा सादर नमन। सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में चार पंक्तियां बोलूंगी, उसके बाद अपनी रचना सुनाऊंगी। तो अंग्रेजी की बात, टॉपिक है हमारा ये हायर इंग्लिश। अंग्रेजी सुनकर सब वाह वाह करते थे, अंग्रेजी सुनकर सब वाह वाह करते, अगर बोले कोई तो हाय तौबा करते थे। हिंदी अगर बोले कोई तो हाय तौबा करते थे। मातृभाषा बोलने में बड़ी शर्म लगती थी, मातृभाषा बोलने में बड़ी शर्म लगती थी। आज अपनत्व के दो बोल को तुम तरसते हो, आज अपनत्व के दो बोल को तुम तरसते हो। मीठी अपनी पन की भाषा हिंदी अब बिसरा चुके, मीठी अपने पन की भाषा हिंदी अब बिसरा चुके। पश्चिमी अंग्रेजी संस्कृति को सभी अपना चुके, और जब बात अपने घर पे आई यही इंग्लिश आफत बनी, जब बात अपने घर पे आई यही इंग्लिश आफत बनी। अब अपनों की खोज में हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, अब अपनों की खोज में हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। और अब मैं सुनाती हूँ, ये तो हिंदी दिवस पे था, हिंदी की चूंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आज यही हम स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनलाइन और ऐसे हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है बस एक रोटी चाहिए। पूछो जरा उन लोगों से जिनके सिरों पर छत नहीं, पूछो जरा उन लोगों से जिनके सिरों पर छत नहीं। किस दर्द से वो गुजरते हैं और पेट कैसे भरते हैं, किस दर्द से वो गुजरते हैं और पेट कैसे भरते हैं। जीवन जीने के लिए बस एक रोटी चाहिए, जीवन जीने के लिए बस एक छत हमें चाहिए, बस ये सपना आंखों में लेके वो जन्म लेते हैं, बस ये सपना आंखों में लेके वो जन्म लेते हैं। आज ऐसी सजा पाई छत तो पहले छिन चुकी है, आज ऐसी सजा पाई छत तो पहले छिन चुकी है। महंगाई के इस चलन में
भूख भी अब मर चुकी है महंगाई के इस चलन में, भूख भी अब मर चुकी है उनसे नफरत हो रही जिसने बनाया वर्ग भेद, उनसे नफरत हो रही जिसने बनाया वर्ग भेद। आज ये दुख हो रहा क्यों मिला मानव जन्म, आज ये दुख हो रहा क्यों मिला मानव जन्म। उनके भी दो हाथ हैं महलों में जो रह रहे हैं, मेरे भी दो हाथ हैं जो रात दिन श्रमरत रहे हैं, मेरे भी दो हाथ हैं जो रात दिन श्रमरत रहे हैं। उनके घर से महल बन गए और हम बेघर हुए, उनके घर से महल बन गए और हम बेघर हुए। उनसे दूना काम करके रोटी को भी तरसते हैं, उनसे दूना काम करके रोटी को भी तरसते हैं। मान रूपी जन्म पाकर दोष किसके सर मढ़ू, मान रूपी जन्म पाकर दोष किसके सर मढ़ू। ऊपर के भगवान को या देश की सरकार को, ऊपर के भगवान को या देश की सरकार को, बस एक रोटी चाहिए, बस एक रोटी चाहिए। धन्यवाद महोदय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मैम। बहुत बढ़िया। स्वाति जी आप आगे बढ़िए। नीलिमा जिसे मैं कहती हूँ कि वो अपनी रचना पेश करे, नीलिमा देशमुख मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? बोलो, आ रही है। प्रकृति पर लिखी एक सुंदर रचना मुझे बहुत पसंद आई, रचना हम साधन करेंगे। आपका आवाज क्लियर येत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बघा, परत लेफ्ट हुन परत जॉइन होता है का? नीलिमा, नीलिमा मैम, ओके, आता येते का आवाज? ठीक है मैम, मैं बोलू क्या पहले इनको, इनके बारे में? हाँ, नीलिमा जी अभी रचना पेश कर रही है। ओके, आवाज नहीं आ रही मैम। मैडम तुमसे म्यूट झाला आवाज, आवाज येते का आता? ये तो धन्यवाद। प्रकृति पर लिखी एक सुंदर रचना मुझे बहुत पसंद है।
वो रचना मैं सादर कर रही हूँ। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इथलाना, तितली से इथलाना, भौरों की गुंजन से सीखा, भौरों की गुंजन से सीखा, राग मधुर तय गाना, राग मधुर तय गाना, तेज लिया सूरज से हमने, तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, चांद से शीतल छाया, टिमटिम करते तारों की, टिमटिम करते तारों की, हम समझ गए सब माया, हम समझ गए सब माया, सागर ने सिखलाई हमको, सागर ने सिखलाई हमको, गहरी सोच की धारा, गहरी सोच की धारा, गगन चुंबी पर्वत ने सीखा, गगन चुंबी पर्वत ने सीखा, हो ऊंचा लक्ष्य हमारा, हो ऊंचा लक्ष्य हमारा, समय की टिकटिक ने समझाया, समय की टिकटिक ने समझाया, सदा ही चलते रहना, सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े, मुश्किल कितनी आन पड़े, पर कभी न धीरज खोना, कभी न धीरज खोना, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना स्वरूप दिखाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया, अपना रूप दिखाया। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वाति अनम्यूट करें। स्वाति मैडम की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आ गई क्या? म्यूट हो रहा था, हो गया था। अभी आ रही है क्या? हेलो, आ रही है। हाँ ठीक है। सोनाली शिरपुरकर मैम को मैं मंत्र मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारतीय वायुसेना अधिकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सॉफ्ट तथा प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। 2023 को प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियम शक्ति क्लब द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। कुछ कहानियां ऐसी भी उनकी प्रस्तुत उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैं मैडम को उनकी रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सोनाली शिरपुरकर मैम, हैदराबाद। नमस्ते, धन्यवाद स्वाति जी, सभी उपस्थित जनों को प्रणाम और धन्यवाद माने जी। मेरी कविता है आज हिंदी दिवस पर, सो एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंग्रेज गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, हमने भी उसे रखा संजोया और अपनाया। हिंदी मिली मुझे एक दिन, हिंदी मिली मुझे एक दिन, बोली भूल गई मुझे तुम, मैंने कहा नथिंग सो, तो मुस्कुराकर बोली अब और कोई सवाल नहीं मेरे मन में। दुखी होकर घूमती रही इस गली से उस गली, इस शहर से उस शहर, अंधेरा नजर आने लगा, लगा अब जीवन का कोई नहीं मकसद। तभी अखबार में खबर आई हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित की गई, सीना तान कर चल पड़ी, उजाले की किरण जो दिखी, फिर मिली मुझे बोली भूल गई मुझे तुम, मैंने कहा कदापि नहीं, आज हिंदी दिवस जो मना रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, हिंदी के लिए बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुरेश गिर सागर सर को। मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो एसटी में ऑडिटर पद पर 30 वर्ष सेवा की सेवा निवृत्त हुए है। कई नाटकों में अभिनय किया है, पारितोषक भी पाए है। शायरी से मोहब्बत, गीत गजलें लिखते है। प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी, सागर की लहरें, सागर के किनारे,
और मराठी मराठी नाटक सागर वाहतो प्रवाहाच्या दिशेने, सागर वाहतो प्रवाहाच्या दिशेने, ब्रह्मघाट और सुनबई या आता कोर्टात, ये उनकी नाटक है। मैं सर को आमंत्रित करती हूँ, सुरेश गिर सर। आवाज आती है? हाँ आती है, आती है। सभी सम्माननीय कविगण को मेरा सादर प्रणाम। हिंदी के सम्मान में दो शेर लिखे हैं मैंने, वो पहले पढ़ू फिर मेरी रचना पढ़ता हूं। न से नम्रता, म से ममता, रस्ते से आस्था झलके। न से नम्रता, म से ममता, रस्ते से आस्था झलके। हिंदी के नमस्ते में बड़े भाव से भीग जाए मेरी पलके। हिंदी के नमस्ते में बड़े भाव से भीग जाए मेरी पलके। दूसरी दो पंक्तियां। सर जी एक मिनट। सर जी जी, स्वाति मैम आप और अन्य कोई तो है जिनका माइक शुरू है तो आवाज क्लियर नहीं आती, तो सभी अपने माइक म्यूट कर दीजिए तभी आवाज आएगी। नीलिमा मैम आपका शायद माइक शुरू है तो आप भी बंद कर दीजिए। स्वाति मैम आपका भी माइक बंद कर दीजिए। जी आ रही है आवाज क्लियर? आवाज आती है? जी आ रही है। जी मैं वो दो पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। न से नम्रता, म से ममता, रस्ते से आस्था झलके। हिंदी के नमस्ते में बड़े भाव से भीग जाए मेरी पलके, भीग जाए मेरी पलके। दूसरा शेर है कि शब्द समादरणीय हिंदी के सिवा होगा न किसी और भाषा में। शब्द समादरणीय हिंदी के सिवा होगा न किसी और भाषा में। सम आदर की भावना भरी हुई है हिंदी की परिभाषा में, हिंदी की परिभाषा में। कविता पढ़ता हूं मैं, रचना मेरी। आजकल की परिस्थिति में, बदलते हालात में, बच्चों से भी ये अपेक्षा करनी पड़ रही है। ये अपेक्षा मेरी इस रचना में मैं उनसे कर रहा हूं, तो देखिए। शीर्षक है मेरे लाडले। मेरे लाडले तू बड़ा बने, दुनिया तुझे माने, ये मेरी तमन्ना है। मेरे लाडले तू बड़ा बने, दुनिया तुझे माने, ये मेरी तमन्ना है। पर ये याद रहे तुम मेरे लिए वही मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है, मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है। बन देखिए कि जब घर मेरे तू जन्मा था, जब घर मेरे तू जन्मा था, खुशियों से मैं फूले न समाया था। जब घर मेरे तू जन्मा था, खुशियों से मैं फूले न समाया था। याद रख तुझे गोदी में खिलाया था, उंगली पकड़ तुझे चलाया था। याद रख तुझे गोदी में खिलाया था, उंगली पकड़ तुझे चलाया था। तू दुनिया को चलाए, तू आसमां को झुकाए, ये मेरी तमन्ना है। तू दुनिया को चलाए, तू आसमां को झुकाए, ये मेरी तमन्ना है। पर ये याद रहे तुम मेरे लिए वही मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है। दूसरा बंद है, सुहाना हो जिंदगी का सफर तेरा, सुहाना हो जिंदगी का सफर तेरा, हम सफर बने तेरा जाने जिगर। सुहाना हो तेरे जिंदगी का सफर तेरा, हम सफर बने तेरा जाने जिगर। हंसी हो तेरी शाम और शहर, हंसी हो तेरी शाम और शहर, देखो सपने सुंदर सुनाओ मीठी खबर। देखो सपने सुंदर सुनाओ मीठी खबर, फले फूले हर डाली तेरी, चमन तेरे गुलाब खिले चमेली खिले। फले फूले हर डाली तेरी, चमन खिले गुलाब और चमेली, ये मेरी तमन्ना है। पर याद रहे मेरे लिए तू वही मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है। पिता के त्याग को
पिता के त्याग का रहे ख्याल, माता का मन भी संभाल मेरे लाल। पिता के त्याग का रहे ख्याल, माता का मन भी संभाल मेरे लाल। माता पिता की दुआओं से कर पाएगा ना कोई तेरा बींगा बाल। माता पिता की दुआओं से कर पाए ना कोई बींगा तेरा बाल। बड़े बूढ़ों की कर तू खिदमत, मिलेगी तुझे जन्नत, ये मेरी तमन्ना है। बड़े बूढ़ों की कर तू खिदमत, मिलेगी तुझे जन्नत, ये मेरी तमन्ना है। पर याद रहे तू मेरे लिए वही मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है। आखिरी बंद है, माना बदला है जमाना, पर तुझ पे किए संस्कार न तू भुलाना। माना बदला है जमाना, पर तुझ पे किए संस्कार न तू भुलाना। कर्मवीर बन, धर्मवीर बन, राष्ट्र प्रेम भी समय समय पर तू जताना। राष्ट्र प्रेम भी समय समय पर तू जताना। पाए तू कुबेर धन, जाने तू मजबूर का भी मन। पाए तू कुबेर धन, जाने तू मजबूर का भी मन, ये मेरी तमन्ना है। पर ये याद रहे तुम मेरे लिए वही मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है। वही मेरा लाडला नन्ना सा मुन्ना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काका जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता, बहुत खूबसूरत। मैडम नयन, मैडम बहुत बढ़िया। नयन मैडम, सुरेश गिरी सर के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जी मैडम, गिरी सर की कविता, मुझे उनकी कविता सुनकर ऐसा लगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। जी जी हाँ। स्वाति मैडम, आपका माइक म्यूट कर सकती हैं आप? हाँ। गिरी सर, बहुत बहुत सुंदर कविता थी आपकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा। इस कविता को मैंने पढ़ाया है, सुना भी है। आज मुझे ऐसा लगा कि एक पिता की अभिलाषा क्या हो सकती है, यह इस कविता से मतलब आपने जो जाहिर किया हुआ है। तो बहुत सुंदर कविता है सर आपकी। पुत्र अगर ऐसे ही हो तो निश्चित रूप से कोई भी पिता दुखी नहीं रहेगा। धन्यवाद आपका। वैसे हमारी बात स्वाति जी और हमारी बात भी हुई थी कि हम कभी ऐसे भी करेंगे कि कोई एक रचना प्रस्तुत करेगा और उसकी समीक्षा दूसरा करेगा, तो आपका तो बस ऐसे ही हो गया आज थोड़ा सा। लेकिन हम आगे जाकर ये भी करने वाले हैं कि कोई एक रचना प्रस्तुत करेगा और वहीं पर उसी समय कोई अन्य उसकी समीक्षा भी करेगा। नमस्कार, मैं सूरज कुमारी गोस्वामी, आपको मुझे आज सुनने को मिला इसलिए बहुत धन्य हो गई। मैं आपकी रचना है फेसबुक पर पढ़ती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी मैं डॉक्टर आशा जी मिश्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रसिद्ध पत्रिका और पुष्पक साहित्य की संपादक का कार्य इन्होंने किया है। वैचारिक समालोचन और वटवृक्ष की छाव अभिनंदन ग्रंथ का संपादन भी इन्होंने किया है। साहित्यिक पत्रकारिता इनकी प्रकाशित पुस्तक है जो पत्रकारिता के ऊपर केंद्रित है। साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति हैदराबाद उसकी कोषाध्यक्षा भी ये है। ऑल इंडिया रेडियो पर भी इन्होंने वक्तव्य और परिचर्चा में भाग लिया है। डॉक्टर आशा जी मिश्रा को मैं मंच पर उनकी रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी आशा जी थी मंच पर, अभी है क्या आशा जी? हाँ, शायद वो अभी बात नहीं कर रही है, तो शायद अभी नहीं है। आगे बढ़िए, तब तक वो आ जाएंगी। ओके ओके, तो मैं फिर आगे वाघमारे क्रांति, ये है क्या मंच पर? वाघमारे क्रांति, वाघमारे क्रांति है क्या? अगर है तो आगे जी, हाँ ओके। बीए फैशन डिजाइनिंग में की वो छात्रा है दयानंद कॉलेज की।
इनको कविता लिखने में रुचि है और वो प्रस्तुत करने में। आप मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी सभी को नमस्कार। शब्दांकित साहित्य मंच की ओर से ये मेरा पहला सादरीकरण होगा। तो मैं अपनी एक हिंदी रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका नाम है मैं एक औरत हूँ। कि लोगों से उनकी नजरें नहीं संभलती, लोगों से उनकी नजरें नहीं संभलती, इसलिए मुझे अपना दुपट्टा संभालना पड़ता है। लोगों से उनकी नजरें नहीं संभलती, इसलिए मुझे अपना दुपट्टा संभालना पड़ता है। इस दोगले समाज की सड़कों पर मुझे हर पल डर के चलना पड़ता है। इस दोगले समाज की सड़कों पर मुझे हर पल डर के चलना पड़ता है। औरत सिर्फ कमजोर होती है, औरत सिर्फ कमजोर होती है, ये बचपन से सिखाया जाता है। आवाज उठाएगी तो क्या हश्र होगा, आवाज उठाएगी तो क्या हश्र होगा तेरा, इसको अंजाम भी बताया जाता है। कभी एसिड की बरसात होती है, कभी एसिड की बरसात होती है तो कभी हवस की आग बुझाई जाती है। कभी एसिड की बरसात होती है तो कभी हवस की आग बुझाई जाती है। शीशा ही मैला था कहकर उनकी घिनौनी शक्ल छुपाई जाती है। चुप रहना मानो, चुप रहना मानो, जैसे कोई तकदीर है मेरी। मासूमियत के खून से रंगी एक बेरंग सी तस्वीर है मेरी। अपने माँ बाप के घर बड़े नाजों से पली हूँ मैं, अपने माँ बाप के घर बड़े नाजों से पली हूँ मैं। कागज के चंद टुकड़ों के लिए ससुराल में जली हूँ मैं, कागज के चंद टुकड़ों के लिए ससुराल में जली हूँ मैं। औरत को अबला बताकर समाज ने उसे दबाया है, औरत को अबला बताकर समाज ने उसे दबाया है। बात बात पर लगा के पाबंदी है कितना उसको सताया है। चलो माना मैंने, माना मैंने कि हर बार गलत मैं ही होती हूँ। मुझ पर जितने चाहे सितम आजमाओ, मगर उससे पहले औरत होने के अलावा मेरी एक और गलती तुम मुझे बताओ, मगर उससे पहले औरत होने के अलावा मेरी एक और गलती तुम मुझे बताओ। खुद से भी नहीं संभलते, खुद से भी नहीं संभलते, मैं अब ऐसे हालात हूँ। खुद से भी नहीं संभलते, मैं अब मेरे अब ऐसे हालात हूँ। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है कि मैं एक औरत हूँ, कि मैं एक औरत हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, वास्तववादी कविता है। समाज में जो भी हो रहा है उसके ऊपर आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उषा भोसले मैम को। उषा भोसले मैम है क्या? उषा भोसले मैम, उषा भोसले जी थे अभी तो? हाँ उषा भोसले अभी थे। हेलो, हाँ उषा जी मैम, हाँ कविता लेखन इसमें इनकी रुचि रही है और शैक्षणिक साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में वो कार्यरत रही है। मैं उषा भोसले मैम को अपनी कविता सादर करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मैं आपको कविता सुनाऊंगी। पहले अभी अभी जो कविता सुनी उसके बारे में दो पंक्तियां बोलूंगी। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जो भी मतलब बोलता है उसके बाद वो उसका माइक अनम्यूट करें ताकि जो कविता प्रस्तुत कर रहा है वह ठीक तरह से उसकी आवाज हम तक पहुंचे। उषा जी आप अपनी रचना पेश करें। आवाज आ रही है अभी? जी जी आवाज आ रही है। नमस्ते, हिंदी दिन की सबको शुभकामनाएं। अभी अभी जो कविता सुनी बहुत अच्छी कविता थी स्त्री के ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि मेरी गलती क्या है, तो आपकी गलती ये है कि खुद को खुद मैं नहीं समझती, मैं को मैं समझना चाहिए, बस किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं बताना चाहती हूँ
कविता बहुत बढ़िया थी, मैं मेरी कविता पढ़ाती हूँ। मेरे अपने राम, ये इंडिया लेवल का बुक है, ये बुक में मेरी कविता छपी है और कविता मैं आपको सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है राम भक्त। आवाज आ रही है? कविता का शीर्षक है राम भक्त। दशहरा त्योहार मनाया, दशहरा त्योहार मनाया, रावण का पुतला जलाया। दशहरा त्योहार मनाया, रावण का पुतला जलाया, मन मंदिर में रावण छुपाया। मन मंदिर में रावण छुपाया, उसे कैसे जलाऊं मैं, उसे कैसे जलाऊं मैं। कोदंड उठाने राम चला, कोदंड उठाने राम चला, हनुमान पीछे खींच रहा है। कोदंड उठाने राम चला, हनुमान पीछे खींच रहा है। हनुमान जी ने तो तीर छुपाया, हनुमान जी ने तो तीर छुपाया, उसे कहां से पाऊं मैं, उसे कहां से पाऊं मैं। कौन जन, कौन जनक, कौन जनक, कौन जन, प्रणया वन को मैं ना जानू, प्रणया वन को मैं ना जानू, वन को मैंने काट दिया, वन को मैंने काट दिया, वनवास कैसे जाऊं मैं, वनवास कैसे जाऊं मैं। आखिरी बंद, राम वचन का भक्त हूं मैं, राम वचन का भक्त हूं मैं, मेरे अंदर राम बिठाया। राम वचन का भक्त हूं मैं, मेरे अंदर राम बिठाया। जानकी खुद को भूल गई है, अभी अभी जो कविता हुई है उसके बारे में ही ये पंक्ति लग सकती है। राम वचन का भक्त हूं मैं, मेरे अंदर राम बिठाया। जानकी खुद को भूल गई, जानकी खुद को भूल गई, उसे कहां से लाऊं मैं, उसे कहां से लाऊं मैं, उसे कहां से लाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता है मैम, आपने बहुत ही अच्छी कविता, वास्तववादी भी है, सामाजिक भी है, बहुत ही सुंदर। मैं सीताराम जी माने हैदराबाद से सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सीताराम जी माने सर, हाँ नमस्कार। ये संस्थापक राष्ट्रीय एकता कवि मंच 2017 को इन्हें निराला सम्मान से सम्मानित किया गया है, और कवि सम्राट पुरस्कार 2022 और साहित्य सगुना पुरस्कार 2022 से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। मैं सर को उनकी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शब्दांकित साहित्य मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। खून के रिश्ते, खून के रिश्ते शक के दायरे में आने लगे हैं। मैम आवाज आ रही है क्या? हेलो जी आ रही है, आ रही है। खून, खून के रिश्ते शक के दायरे में आने लगे हैं, जो खुद अपने अब पराए नजर आने लगे हैं। खून के रिश्ते शक के दायरे में आने लगे हैं, जो खुद अपने अब पराए नजर आने लगे हैं। किस पर करे किस पर ना करे विश्वास, किस पर करे किस पर ना करे विश्वास, सब एक थाली के चट्टे बट्टे नजर आने लगे। और धर्म मजहब के ठेकेदार हो या नेता, धर्म मजहब के ठेकेदार हो या नेता, बींज नफरत के बोने लगे। धर्म मजहब के ठेकेदार हो या नेता, बींज नफरत के बोने लगे हैं। सबका साथ सबका विकास करने का कितना प्रयास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास
करने का कितना प्रयास हो रहा है, कुछ आस्तीन के साफ इस प्रयास को विफल करने में लगे हैं। सबका साथ सबका विकास करने का कितना प्रयास हो रहा है, कुछ आस्तीन के साथ इस प्रयास को विफल करने लगे हैं। और गुरु और शिष्य के है कितने पवित्र रिश्ते, गुरु और शिष्य के है कितने पवित्र रिश्ते, वो पवित्र रिश्ते भी अब बदनाम होने लगे हैं। और मात्र शक्ति को देवी मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं। मात्र शक्ति को देवी मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं, है ऐसे भी लोग जो मात्र शक्ति के अस्मिता का खनन करने लगे हैं। मात्र शक्ति को देवी मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं, है ऐसे भी लोग जो मात्र शक्ति के अस्मिता का हनन करने लगे हैं। सीताराम दिल में जो कुछ भी है कहना तो कह दे, सीताराम दिल में जो कुछ भी है कहना तो कह दे, यूं ना समझ लोग क्या कहने लगे हैं। सीताराम दिल में जो कुछ भी है कहना तो कह दे, यूं ना समझ लोग क्या कहने लगे हैं, लोग क्या कहने लगे। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत राजकीय विषय पर आपने बहुत ही खूबसूरत सुंदर उसमें आ गए थे। बहुत ही सुंदर है कविता। डॉक्टर सुरेखा बनकर, मैं क्या डॉक्टर सुरेखा बनकर, डॉक्टर सुरेखा बनकर जुड़ नहीं पाई है वो शायद। अनीता गिरी मैम है क्या, अनीता गिरी, आशा मिश्रा जी जुड़ी हुई है, उन्हें निमंत्रण करें। मिश्रा जी ओके ओके, हाँ उनका रह गया था। ओके नमस्कार सभी को, मेरा क्षमा चाहूंगी मैं देर से जुड़ी, जैसे कि मैंने कहा था राजमानी जी से कि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन अभी जस्ट घर पहुंची फिर इनका फोन आया तो इसलिए सच में। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज मैडम आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम। नहीं नहीं आशा जी पहले आप आपका परिचय देने दीजिए उसके बाद आप शुरू कीजिए, तो सूत्र संचालक का भी माइक ऑफ जाता हो जाता है तो आपकी आवाज क्लियर आ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। आशा मिश्रा जी मैं हैदराबाद से, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रसिद्ध पत्रिका पुष्पक साहित्य की का संपादक का कार्य करती हूँ और वैचारिक समालोचन और वटवृक्ष की छाव अभिनंदन ग्रंथ का संपादन आपने किया है। साहित्यिक पत्रकारिता इनकी प्रकाशित पुस्तक है जो पत्रकारिता के ऊपर केंद्रित है। साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति हैदराबाद उसकी कोषाध्यक्षा भी आप है। ऑल इंडिया रेडियो पर भी उन्होंने वक्तव्य और परिचर्चा में भाग लिया है। मैं डॉक्टर आशा मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनकी रचना करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जोशी जी, बहुत धन्यवाद और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार क्षमा चाहूंगी लेट से जुड़ने के लिए, और मैंने बहुत सारी कविताएं मिस की हैं, मैंने मुझको नहीं लगता कि मैंने किसी का नहीं सुना, अभी माने जी का की रचना मैंने सुनी है तो मुझको एक प्रक्रिया भी ठीक से नहीं पता चला कि किस तरह से पहले पढ़ा जा रहा है उसके बाद बुलाया जा रहा है, इसलिए मैंने शुरू में थोड़ी गुस्ताखी कर ली, उसके लिए भी क्षमा चाहूंगी। तो चलिए क्या तो यदि आज्ञा है तो मैं अपनी रचना रखूं। धन्यवाद। अभी अभी हुआ है कलकत्ता में, और ऐसा तो होता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री के साथ क्या होता है कैसे होता है, कभी लगता है कि हम तो बहुत सशक्त हो गए और अचानक से कुछ इस तरह की घटना सामने आ जाती है तो लगता है कहाँ हम कहाँ हैं, आखिर हम हैं वहीं पे, लेकिन
एक चीज तो जरूर बताना है कि समझना पड़ेगा कि स्त्री अबला नहीं है, वो अबला करने की भूल की जाती है और कैसे नहीं। तो एक रचना है मेरी जिसका शीर्षक है मैं अबला नहीं हूं, रखना चाहूंगी आपके समक्ष। मैं आन हूं सम्मान हूं, मैं आन हूं सम्मान हूं, मैं ममता हूं संस्कार हूं, संस्कृति की धरोहर हूं परंपरा निर्वाहक हूं, सर्जक हूं मैं पालक हूं, पर टूट गई मैं चकनाचूर हो गई एक ही पल में, मिलती रही मिट्टी में सिमटती रही स्वयं में, लूटा मुझे खसोटा मुझे नंगा कर घसीटा मुझे, निर्लज्जता की सीमा पार करते रहे बीच सड़क पर भेड़ियों ने। कहते हैं इंसानियत एक फितरत है तभी तो इंसान है, पर ताकती रही मनुष्यता को लाखों की भीड़ में, मैं ताकती रही मनुष्यता को लाखों की भीड़ में कि जागेगी इंसानियत, खून खौलेगा मानवता का, प्रमाण देंगे वे इस धरा पर अभी भी अपने होने का, इज्जत बचाएंगे ऋषियों के देश का, सनातन धर्म का, पर नहीं देवता नहीं तो देवत्व कहाँ, मनुष्य ही नहीं तो मनुष्यत्व कहाँ, उधेड़ी गई सिर्फ मैं नहीं मेरी चमड़ी नहीं मेरी अंतरात्मा, चेतना जागेगी कभी जागेगा देश, लहराएंगे झंडे निकलेंगी रैलियां, मिलेगा न्याय मुझे शायद एक दिन, पर घाव जो रिस रहा है आत्मा में रिसता रहेगा, पीप टपकता रहेगा बूंद बूंद जीवन पर्यंत, मनुष्य न सही पर धरा रोती रहेगी। नया कुछ नहीं है सदियों से अपमानित होती रही हूं, नया कुछ नहीं है सदियों से अपमानित होती रही हूं, निर्वस्त हुई थी द्रौपदी कौरव की सभा में, बुलाया कृष्ण को बचाया लाज अपना, खोज रही हूं मैं भी साथ दौड़ती भीड़ में एक कृष्ण एक अर्जुन और एक भीम को, चक्र गांडीव और गदा को, पर नहीं कोई नहीं ललचाई नजरों के सिवा, थक चुकी हूं हार गई हूं बचाते हुए इज्जत अपनी, सदियों से प्रतीक्षा में उस कृष्ण की जो बचाए मुझे और करे रक्षा, अपमान का बदला ले पाए सदा के लिए, पर नहीं अब नहीं क्यों चाहिए मुझे कोई कृष्ण, पर नहीं अब नहीं क्यों चाहिए मुझे कोई कृष्ण कोई भीम कोई अर्जुन, जगत जननी हूं मैं शक्ति हूं सृष्टि समाहित है मुझ में, रक्षक हूं करूंगी रक्षा लड़ूंगी स्वयं ही, जैसे लड़ी थी सावित्री यमराज से, जैसे किया सत्यानाश कौरव कुल का द्रौपदी ने, जैसे लड़ी थी लक्ष्मीबाई, लूंगी अपमान का बदला स्वयं ही लूंगी अपमान का बदला स्वयं ही, क्योंकि मैं अबला नहीं हूं क्योंकि मैं अबला नहीं हूं। धन्यवाद अवसर प्रदान करने के लिए, पुनः पुनः धन्यवाद। और मैं विशेष धन्यवाद जिन्होंने मेरा नाम सुझाया और राज माने जी का जिन्होंने यहाँ पे मुझको आमंत्रित किया, और स्वाति जी जोशी जी जो संचालन कर रही है कार्यक्रम का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी मैम आपने जो कविता सुनाई मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि समाज में आज जो भी घट रहा है वो सब के ऊपर आपने प्रकाश डाला है, बहुत ही सुंदर कविता है। और बाद में एक स्त्री को कैसे सबला होना चाहिए ये भी आपने बताया, बहुत ही सुंदर है मैम बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। और कविता सुनना चाहूंगी मैं आपसे बहुत ही सुंदर जरूर मेरा सौभाग्य होगा। अभी मैं सुरेखा बनकर मैम आए हैं क्या मंच पर, डॉक्टर सुरेखा बनकर जी जी, उन्हें कोई कुछ दिक्कत है तो वो जुड़ नहीं पाएंगी। ओके नीता गिरी मैम वो भी नहीं है। ओके डॉक्टर आशा कमल मैम है क्या जी धुड़े से, है क्या
जी हाँ ओके ओके। मैं डॉक्टर आशा कम्बे मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीता गिरी मैम है अभी फिलहाल। ओके ओके बाद में लेती हूँ उनको ठीक है। ओके ओके। 14 लेखा प्रकाशित किया है। हिंदी अध्यापन सेवा कार्य में पुरस्कार प्राप्त हुए। महिला रत्न पुरस्कार, गुणवंत शिक्षक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर आशा मैम को किया है और मैं मंच पर मैम को रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम, अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मैडम। शब्दांकित साहित्य मंच के द्वारा आयोजित ऑनलाइन हिंदी कवि सम्मेलन के भीतर उपस्थित सभी कवयित्रियों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ एवं धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष उमा देवी जी, शब्दांकित साहित्य मंच की संस्थापिका डॉक्टर नयन राजमानी जी, बहुत ही सुंदर आयोजन आपने हिंदी दिवस को लेकर किया हुआ है, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। मंच पर जुड़ी हुई जो सारी महिलाएं हैं, इस महिलाओं को लेकर ही मुझे भी ऐसा लगता है कि नारी विमर्श को लेकर यहाँ पर कविताएं प्रस्तुत हो रही है, इसलिए मैं भी नारी विमर्श को लेकर ही एक कविता प्रस्तुत करूंगी। अभी अभी आशा मिश्रा जी ने जो कविता प्रस्तुत की कि मैं अबला नहीं हूँ, उसी को लेकर या उसी के समतुल्य मेरी भी कविता है जिसका शीर्षक है प्रतिरोध। कविता को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बेजुबान होकर सहती रहती है सारे जुल्म औरत, बेजुबान होकर सहती रहती है सारे जुल्म औरत, कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती औरत। सदियों से हो रहे हैं उस पर जुल्म और अत्याचार, सदियों से हो रहे हैं उस पे जुल्म और अत्याचार, फिर भी सबसे डटकर मुकाबला कर रही है औरत। लज्जा शर्म हया अब तक है उसमें, लज्जा शर्म हया अब तक है उसमें, इसलिए रूढ़ी परंपराओं को झेल रही है औरत। पति पिता पुत्र अभी भी त्रिशूल बने हैं, पति पिता पुत्र अभी भी त्रिशूल बने हैं, उनके शूल का जहर अब भी पी रही है औरत। पानी की तरह निर्मल लहर बनकर, पानी की तरह निर्मल लहर बनकर अपने बगीचे को हरा भरा कर रही है औरत। पेड़ पौधे बाग बगीचे झरते पत्ते भी कह रहे हैं, पेड़ पौधे बाग बगीचे झरते पत्ते भी कह रहे हैं, जब से जन्मी है तब से सब जुल्म सह रही है औरत। रोती चीखती चिल्लाती अपने मकाम तक पहुंची है, रोती चीखती चिल्लाती अपने मकाम तक पहुंची है। कुछ भी कहो यारो ये तो आधुनिक भारत की नारी है, कुछ भी कहो यारो यह तो आधुनिक भारत की नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया इसलिए साहित्य मंच को मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है मैम, नारी के ऊपर आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की है। मैं नीता गिरी मैम ज्वाइन हो गई ना मंच पर, नीता गिरी मैम। हाँ जी हाँ, नीता गिरी मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो नंदादीप माध्यमिक विद्यालय के में अध्यापिका का कार्य करती है और कविता वाचन लेखन इनकी रुचि रही है। मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करे। सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का नाम दास्ता। तो महिलाओं के बारे में थोड़ी सी मैं रचना लिखती हूँ। बेपरवाह जीती है, बेपरवाह। आपका वीडियो बंद है, वीडियो बंद है आपका। ओके ओके चल करते। एक मिनट।
एक मिनट में बेपरवाह जीती है, बेपरवाह जीती है बुलंद जीती है, बेपरवाह जीती है बुलंद जीती है, लेकिन हर औरत अपने जीवन में शोषित है शिकार है, शोषित है शिकार है। बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो, बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो वो उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं, वो उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। इसलिए कहती हूँ कि रक्षक भक्षक है, इसलिए कहती हूँ कि रक्षक भक्षक है, सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई गोलमाल है। जो चीज तुम्हारी आदत तोड़ दे, जो चीज तुम्हारी आदत तोड़ दे वही अनुशासन है, जो चीज तुम्हारी आदत तोड़ दे वही अनुशासन है। जहर का जायका उनसे मत पूछो जिनको किसी मोड़ पर सांप मिले है, जिनको किसी मोड़ पर सांप मिले है। फिर भी लगता है यह हालात मेरे सुधर जाएंगे, फिर भी लगता है यह हालात मेरे सुधर जाएंगे, वो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो दिल से उतर जाएंगे, वो दिल से उतर जाएंगे। यह एक स्त्री के दास्ता की कविता है, तो इस कविता का नाम मेरे दास्ता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, एक स्त्री के ऊपर आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ तहसीन सैयद मैम, ज्वाइन हो गई क्या तहसीन सैयद मैम? तहसीन सैयद मैम लातूर, ठीक है। रुचा पथ की मैम है क्या? रुचा मैम नहीं है? हाँ, मैं रुचा पथ की मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उनके इन्होंने मराठी में एमए किया है, पढ़ने और लिखने में इनकी बहुत सारी रुचि है, इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका स्पंदने मनाची यह मराठी काव्य संग्रह प्रकाशित है। मैं मैम को विनती करती हूँ कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी साहित्यिकों को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का नाम है शब्द। शब्द से ही प्यार है, शब्द करे घाव। शब्द से ही प्यार है, शब्द करे घाव। शब्द मीठे बोलिए, शब्द के न हाथ पाओ। शब्द जो छूट गया, शब्द न वापस आए। शब्द जो छूट गया, शब्द न वापस आए। शब्द करवाहट भरा, लगाओ शब्द में समाए। शब्द अनेक रूप में, शब्द का अपना मान। शब्द अनेक रूप में, शब्द का अपना मान। शब्द का गौरव करे, शब्दों का ये सम्मान। शब्दों में गहरे भाव है, शब्दों में गहरे भाव है। शब्द का सुनहरा अर्थ, शब्दों में गहरे भाव है। शब्द का सुनहरा अर्थ, शब्दों के सहारे बिना जीवन का हर रंग व्यर्थ। शब्द में आनंद है, शब्द में भरी व्यथा। शब्द में आनंद है, शब्द में भरी व्यथा। शब्द है तेरी कविता, शब्द है मेरी कथा। शब्द है तेरी कविता, शब्द है मेरी कथा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, शब्द का महत्व आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। मैं
मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ शैलजा करंडे मैम, है क्या शैलजा करंडे मैम? जी वो जुड़ नहीं पाई है। हाँ एडवोकेट रजनी गिरवलकर मैम, मैं हूँ अभी। जी मैं हूँ। आपको एडवोकेट रजनी गिरवलकर मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैडम वकील है, इनकी लेखन और कविताओं में रुचि रही है, इनको सामाजिक बांधिल की संकल्प सखी पुरस्कार, दासोई पुरस्कार, लेडीज क्लब उत्कृष्ट अध्यक्ष पुरस्कार, दैनिक यशवंत उत्कृष्ट लेखक कवि पुरस्कार, ये बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मैम को मैं मंत्र पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना सादर करें। जी स्वाती जी धन्यवाद। शब्दांकित साहित्य मंच के द्वारा आयोजित आज हिंदी दिवस के अवसर पर इस ऑनलाइन हिंदी कवि सम्मेलन की अध्यक्ष माननीय उमा देवी सोनी जी और मंच पर विराजमान सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरी रचना का नाम है हिंदुस्तान। उसकी दो लाइन में कहना चाहूंगी कि भारत और पाकिस्तान इनमें जो तनाव है उस तनाव पर मैंने ये रचना लिखी है। उस वक्त जब मुझे सूझी थी तब भारी तनाव था। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा। फिर क्यों बंटवारा करके हमसे ही हमारा टुकड़ा छीना था। फिर क्यों बंटवारा करके हमसे ही हमारा टुकड़ा छीना था। मेहमान बनकर आए थे, मेहमान बनकर लौट जाओ। मेहमान बनकर आए थे, मेहमान बनकर लौट जाओ। जो था ही नहीं तुम्हारा उसे भी हमसे छीन रहे हो। जो था ही नहीं तुम्हारा उसे भी हमसे छीन रहे हो। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा। नेक नहीं लगते इरादे तुम्हारे, नेक नहीं लगते इरादे तुम्हारे। पनाह के आड़े यूं हमें डरा रहे हो, पनाह के आड़े यूं हमें डरा रहे हो। इरादे कौन से लेके आए थे, इरादे कौन से लेके आए थे। जो संविधान को यूं चिढ़ा रहे हो, जो संविधान को चिढ़ा रहे हो। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा। तुम्हें ऐतराज है, तुम्हें कहाँ गया था ये ऐतराज तुम्हारा, कहाँ गया था ये ऐतराज तुम्हारा। ये पाकिस्तान है कह के, ये पाकिस्तान है कह के, जब मेरे वीर बंधुओं के शवों को, जब मेरे वीर बंधुओं के शवों को ठूस ठूस के भेजा था, जब मेरे वीर बंधुओं के शवों को ठूस ठूस के भेजा था। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा। अब भी कहाँ थमा है, अब भी कहाँ थमा है जुन का बाजार तुम्हारा। मेरे ही घर में अब मुझे ही मेहमान बना रहे हो, मेरे ही घर में अब मुझे ही मेहमान बना रहे हो। वाह रे तेरी पाक नियत, वाह रे तेरी पाक नियत। धीरे धीरे इस धरा की, धीरे धीरे इस धरा की मिट्टी को रौंद रहे हो, धीरे धीरे इस धरा की मिट्टी को रौंद रहे हो। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा। क्या हिंदुस्तान को अब पाक बनाने की सोच रहे हो, क्या हिंदुस्तान को अब पाक बनाने की सोच रहे हो। खूब कह गए अटलता से अटल, खूब कह गए अटलता से अटल। इंशा अल्लाह अब न सुनेंगे, इंशा अल्लाह अब न सुनेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। खून खराबे से क्या पाओगे, खून खराबे से क्या पाओगे। खोल गया मेरे वीरों का तो, खोल गया मेरे वीरों का तो। रौद्र रूप वो दिखलाएंगे, रौद्र रूप वो दिखलाएंगे। फिर देखना ओ राष्ट्रद्रोही, फिर देखना ओ राष्ट्रद्रोही। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। मेरा भारत हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। जय हिंद, सबको सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर मैं भतीजी को
पति जी के साहस को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रिया माली मैम को। जुड़ी है क्या प्रिया माली मैम? प्रिया माली मैम आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा सभी कविया और कवित्रियों को प्रणाम। मैं अपना परिचय देना पहले माफी चाहती हूँ कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया था, इसलिए मैं खुद कहती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ और मेरा मृगजड़ और गुलमोहर फूलता ना ये दो मराठी काव्य संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। और मैं अब अपनी हिंदी कविता अपनी जिंदगी कुछ कहती है ये आपको सुनाती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद मैम परिचय देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। अंदर का शोर और बाहर का शोर वो चुपचाप सहती है। अंदर का शोर और बाहर का शोर वो चुपचाप सहती है। जिंदगी हमेशा कुछ तो कहती है, जिंदगी हमेशा कुछ तो कहती है। सुनती भी मैं हूँ, सुनाती भी मैं हूँ, सुनती भी मैं हूँ, सुनाती भी मैं हूँ। अंदर के बादलों को हटाती भी मैं हूँ, अंदर के बादलों को हटाती भी मैं। बरसती भी मैं हूँ, बहती भी मैं हूँ, बरसती भी मैं हूँ, बहती भी मैं हूँ। अपने किनारे ढूंढती भी मैं हूँ, अपने किनारे ढूंढती ढूंढती भी मैं हूँ। रिश्ते भी मेरे हैं, किस्से भी मेरे हैं, रिश्ते भी मेरे हैं, किस्से भी मेरे हैं। सुख और दुख के किस्से भी मेरे हैं, रिश्ते भी मेरे हैं, किस्से भी मेरे हैं। सुख और दुख के हिस्से भी मेरे हैं। कभी सुनहरी धूप है, कभी महकती शाम है, कभी सुनहरी धूप है, कभी महकती शाम है। जिंदगी अजीब जज्बातों का ही नाम है, जिंदगी अजीब जज्बातों का ही नाम है। कभी चुप सी रहती हूँ, कभी चहकती फिरती हूँ, कभी चुप सी रहती हूँ, कभी चहकती फिरती हूँ। हर एक की नजर को बेझिझक कहती हूँ, हर एक की नजर को बेझिझक कहती हूँ। पढ़ सकते हैं कभी चेहरों की रेखाओं को ऐसा लगता है, पढ़ सकते हैं कभी चेहरे की रेखाओं को ऐसा लगता है। पर रंगीन भावनाओं का दोगलापन चुभता है, पर रंगीन भावनाओं का दोगलापन चुभता है। तेरी मेरी कहानी एक जैसी तो लगती है, तेरी मेरी कहानी एक जैसी तो लगती है। पर सोच की दीवारें बीच में ही आती है, पर सोच की दीवारें बीच में ही आती है। बस बातें बहुत सारी खुद से कर लेती हूँ, बस बातें बहुत सारी खुद से कर लेती हूँ। अकेले ही सारी जिंदगी संवर लेती हूँ, अकेले ही सारी जिंदगी संवर लेती हूँ। जब मौन होती हूँ तो कविता बोलती है, जब मौन होती हूँ तो कविता बोलती है। अनकहे सारे शब्दों को खोलती है, अनकहे सारे शब्दों को खोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी, खुद के ऊपर बहुत ही सुंदर कविता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुलक्षणा सर्वदे मैम। है क्या सुलक्षणा सर्वदे मैम, जुड़ी है क्या? सुलक्षणा सर्वदे मैम तहसीन मैम आई हुई है तो उन्हें निमंत्रित करें, तब तक वो सुलक्षणा मैम के बाद उनको। सुलक्षणा सर्वदे मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो एक प्राध्यापिका है, प्रसिद्ध कवित्री भी है। साराभाई शिंदे पुरस्कार से वो उनको सम्मानित किया गया है। शब्दांकित साहित्य मंच के प्रसिद्धि प्रमुख के रूप में वो कार्यरत है और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी रचना सादर करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सबको हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी एक छोटी सी कविता यहाँ पे पेश करती हूँ। कविता का शीर्षक है आशा का दीप। क्या है वो चीज मुश्किलों में भी साथ रही, क्या है वो चीज मुश्किलों में भी साथ रही। चलो सुनाती हूँ एक कहानी ए अनकही।
चलो सुनाती हूँ एक कहानी ये अनकही। खोई खोई मंजिले खोई खोई राह है, खोई खोई मंजिले खोई खोई राह है, खोए खोए ख्वाब लिए हम किधर हैं चल रहे। खोए खोए सागर में खोई खोई नाव मेरी, खोए खोए सागर में खोई खोई नाव मेरी, उठती लहरे तूफा एक बह न जाए कहीं, क्या है वो चीज मुश्किलों में भी साथ रही। डर लगता है सागर में गिर न जाऊं कहीं, डर लगता है सागर में गिर न जाऊं कहीं, रास्ते में हार जाऊं मंजिल ना पाऊं कहीं। डर भरे इस सीने में थोड़ी है जगह बाकी, डर भरे इस सीने में थोड़ी है जगह बाकी, सोचू आशा का दिया क्यों न जलाऊं वही, क्या है वो चीज मुश्किलों में भी साथ रही। सूरज ढल रहा अभी शाम हो जाएगी, सूरज ढल रहा अभी शाम हो जाएगी, मंजिल ढूंढती नजर अंधेरा ही पाएगी। भय के इस अंधकार में सूरज कहाँ से लाऊं, भय के इस अंधकार में सूरज कहाँ से लाऊं, क्यों न बनाऊं सूरज इस ज्योति को जो जल रही, क्यों न बनाऊं सूरज इस ज्योति को जो जल रही, क्या है वो चीज मुश्किलों में भी साथ रही। हाँ, इसी दिए को लेकर मैं उस पार जाऊंगी, इसी दिए को लेकर मैं उस पार जाऊंगी, हर्ष से विभोर हो खुशी का गीत गाऊंगी। विश्वास है मुझे इस आशा के दीप पे, विश्वास है मुझे इस आशा के दीप पे, कभी तो होगी सुबह कितनी बाकी रात रही, कभी तो होगी सुबह कितनी बाकी रात रही, क्या है वो चीज मुश्किलों में भी साथ रही। चलो सुनाती हूँ एक कहानी ये अनकही, चलो सुनाती हूँ एक कहानी ये अनकही। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ तहसीन सैयद मैम को, जो अभी जुड़ी है। मराठी हिंदी साहित्य में इनकी रुचि रही है और बहुत सारी कविताएं इनके प्रसिद्ध हुई है। मैं इनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार, नमन, और हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आवाज आ रही ना मेरी अच्छे से? आ गई। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है कोख में बुला लो वापस मेरी माँ, कोख में बुला लो वापस मुझे मेरी माँ। समाज में जो चल रहा है उसी पर मैंने कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है, छोटा सा हल्का सा। पापा की प्यारी प्यारी, पापा की प्यारी प्यारी मेरी गुड़िया रानी, पापा की प्यारी प्यारी मेरी गुड़िया रानी, लेडी डॉक्टर बनूंगी मैं हमेशा रहती उसकी वानी। पापा उसके बनते पेशेंट, पापा उसके बनते पेशेंट, टाई का स्टेथो बनाकर जांचने बुखार पापा का, टूसती पेंसिल की थर्मामीटर। उसकी बर्थडे पर किया गिफ्ट, उसकी बर्थडे पर किया गिफ्ट, खिलौने वाली डॉक्टर किट। सहेलियों को दिखाकर कहती गुड़िया सफेद एप्रन में लगती है ना फिट। सखियों के संग शाम खेलते आंगन में गुड़िया भूल आई, सखियों के संग शाम खेलते आंगन में गुड़िया भूल आई, सुबह दौड़ कर जब देखा गुड़िया आंगन में अस्त व्यस्त पाई। रोती बिलखती आई चिल्लाती गुड़िया के कपड़ों को फाड़ा है, रोती बिलखती आई चिल्लाती गुड़िया के कपड़ों को फाड़ा है, और टांगों को भी तोड़ा है, मम्मा मेरी गुड़िया ने दम तोड़ा है। मुझसे लिपट कर सोती है अधकच्ची नींद में रोती भी है, मुझसे लिपट कर सोती है अधकच्ची नींद में रोती भी है, मासूम सा सवाल उसका मम्मा सच बताओ मैंने भी कुछ सुना है, मासूम सा सवाल उसका मम्मा सच बताओ मैंने भी कुछ सुना है। दुनिया से लड़ जाऊंगी भिड़ जाऊंगी, दुनिया से लड़ भिड़ जाऊंगी दिन में सबसे कहती है, दुनिया से लड़ भिड़ जाऊंगी दिन में सबसे कहती है, मम्मा अपनी कोख में बुला लो वापस मुझे, नींद में बड़बड़ाती रहती है। क्या दूं जवाब बिटिया को, क्या दूं बिटिया को जवाब, बार बार हर बार क्यों हम ही हारे, क्या दूं बिटिया को जवाब, बार बार हर बार क्यों हम ही हारे। मन में एक प्रश्न चलता है क्या हमारे बेटियों के सपने होंगे पूरे, क्या हमारे बेटियों के सपने होंगे पूरे। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत सही, बहुत ही सही करी, बहुत बहुत अभिनंदन। कोलकाता का प्रकरण जो था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा किया। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं मंच पर आमंत्रण करती हूँ सुलोचना मुळे मैम। सुलोचना मुळे मैम जुड़ी है क्या? सुलोचना मैम लातूर से जी, शायद वो नहीं जुड़ पाई हैं। ओके, तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ नहीं आई ना, ऑफ होता। हाँ ठीक है मैम, ओके अभी आ गई, आ रही है, अभी गई आवाज। हाँ नमस्ते, हाँ नमस्ते, मैं सुलोचना मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ। वन लिखने लिखने पढ़ने में रुचि है उनकी। इनकी इंतजार एक सैनिक की पत्नी का यह कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि उनकी रचना वो प्रस्तुत करें। नमस्ते, मैं सुलोचना रमेश मुळे। मैंने अभी अभी कोलकाता में जो भी उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ उस पर कुछ लिखा है। उसका सबको दुख है, मुझे भी बहुत दुख है, तो उस पर कुछ लाइनें लिखे है तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आवाज आ रही है ना? लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा न आएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा न आएंगे। हैवानों का चीर दो सीना, कहां भाग कर जाएंगे। तलवार उठाकर काट दो सबको, तलवार उठाकर काट दो सबको, कभी भूल ना पाएंगे। तलवार उठाकर काट दो सबको, कभी भूल ना पाएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा ना आएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा ना आएंगे। बना दो लोहा अपने हाथ को, बना दो लोहा अपने हाथ को, पंछी बनकर उड़ो रात को। बना दो लोहा अपने हाथ को, पंछी बनकर उड़ो रात को। बर्बाद कर लो ऐसी जात को, बर्बाद कर लो ऐसी जात को, यूं ना छोड़ो किसी बात को। हो जाने दो खून खराबा, हो जाने दो खून खराबा, अब ना धोखा खाएंगे। हो जाने दो खून खराबा, अब ना धोखा खाएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा ना आएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा ना आएंगे। बुरी नजर की आंखें फोड़ो, बुरी नजर की आंखें फोड़ो, अपने हाथ से पत्थर तोड़ो। बुरी नजर की आंखें फोड़ो, अपने हाथ से पत्थर तोड़ो। छुपकर जीना अब तो छोड़ो, छुपकर जीना अब तो छोड़ो, दानव सारे पल में खोड़ो। कोलकाता का ओ हादसा, कोलकाता का वो हादसा, कभी भूल ना पाएंगे। कोलकाता का वो हादसा, कभी भूल ना पाएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा ना आएंगे। लाज बचा लो अपनी द्रौपदी, गोविंदा ना आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कोलकाता के ऊपर जो भी जिन्होंने भी कविताएं प्रस्तुत की, एक स्त्री के ऊपर जो भी दुर्दैवी घटना घटी है उसके ऊपर, बहुत ही सुंदर कविता है। धन्यवाद मैम। अब मैं शब्दांकित साहित्य मंच के की संस्थापिका डॉक्टर नयन राजमाने मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, मैंने इतनी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैं साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उन्होंने 20 सालों से कार्यरत रही हूँ। कविता, कहानी, लेख, साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। अभी 2024 में शब्दरंग और भावगंध जो किताबों का संपादन भी इन्होंने किया है। इनकी ऐसा भी हो सकता है, यह कहानी महाराष्ट्र साहित्य अकादमी में प्रकाशित हो चुकी है। अभी मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो उनकी कविता प्रस्तुत करें। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना में पेश करने से पहले एक मंच को बात बता दूं कि आज जो भी
हिंदी बेल्ट के संपन्न साहित्यिक हमारे मंच पर आए हुए हैं। उन्हें बुलाने का यही मकसद था कि हिंदी भाषी भी किस प्रकार से रचनाएं हिंदी में करते हैं ये वो जान ले, और साथ ही में उनकी कैसी रचनाएं होती हैं ये भी हिंदी भाषी जान ले। तो दोनों का मिलाप करना चाहती थी, तो इस कारण हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी मराठी जी मेरी रचना है वरदान हिंदी। हिंदुस्तानी हम हिंदी का हमें अभिमान रहे, हिंदुस्तानी हम हिंदी का हमें अभिमान रहे, राष्ट्रध्वज तिरंगा समान हिंदी का सम्मान रहे, राष्ट्रध्वज तिरंगा समान हिंदी का सम्मान रहे। विचारों के आदान प्रदान में भूमिका निभाए भाषा, विचारों के आदान प्रदान में भूमिका निभाए भाषा, इस पे खरी उतरती हिंदी से अधिक किससे करे आशा। उच्चारण को सहज सरल जैसे इसे ईश्वर ने है तराशा, उच्चारण को सहज सरल जैसे इसे ईश्वर ने है तराशा, कानों को लगे मधुर दिलों के लिए हिंदी साक्षात शीशा। हिंदुस्तानियों के लिए हिंदी का ही अरमान रहे, हिंदुस्तानियों के लिए हिंदी का ही अरमान रहे, हिंदुस्तानी हम हिंदी का हमें अभिमान रहे। हिंदी में भरपूर प्रेम भाव माता सी ममता विनम्रता, हिंदी में भरपूर प्रेम भाव माता सी ममता विनम्रता, हिंदी में भाईचारे की मजबूत सेतु बंध की क्षमता। हिंदी भाषियों में हर रिश्ते का विशुद्ध प्रेम पनपता, हिंदी भाषियों में हर रिश्ते का विशुद्ध प्रेम पनपता, सारे विश्व को जोड़े रखने का हिंदी में विधाता झलकता। मीरा महादेवी कबीर तुलसी, मीरा महादेवी कबीर तुलसी जैसे हिंदी के विद्वान रहे, हिंदुस्तानी हम हिंदी का हमें अभिमान रहे। राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का आत्मा है हिंदी, राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का आत्मा है हिंदी, राष्ट्र प्रेम जगाने का पूरा पूरा सामा है हिंदी। जवानों में जोश भर दुश्मनों का खात्मा है हिंदी, जवानों में जोश भर दुश्मनों का खात्मा है हिंदी, हर विद्या को प्रदान करता परम परमात्मा है हिंदी, हर विद्या को प्रदान करता परम परमात्मा है हिंदी। हमारे मन मस्तिष्क में हिंदी का गुणगान रहे, हमारे मन मस्तिष्क में हिंदी का गुणगान रहे, हिंदुस्तानी हम हिंदी का हमें अभिमान रहे, हिंदुस्तानी हम हिंदी का हमें अभिमान रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन नयन मैडम, बहुत सुंदर प्रस्तुति और हिंदी दिवस को लेकर जो हिंदी कविता आपने प्रस्तुत की है सही में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव जी मंच पर आसीन है, सुरेश गिर जी जो है वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उनके कारण रचनाएं थोड़ा सा बहुत बढ़िया हो जाती है जी। अब मैं प्रस्तुत करूंगी मेरी कविता जी। अब मैं आपको निमंत्रित करती हूँ, थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही थी। जो पिछले 2 घंटे से संचलन कर रही हैं, जो हिंदी और हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें जोड़े हुए हैं, तो ऐसे हमारे डॉक्टर स्वाति जोशी मैम जिन्होंने बहुत बढ़िया सूत्र संचालन किया, और केवल 2 दिन के अवकाश में इतने लोगों का परिचय लेना, और परिचय पूरा हम भेज देते हैं तो उसमें से कुछ छांटना और फिर उसे अपने हिसाब से सब कुछ पेश करना,
ये थोड़ा कठिन काम है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया, तो उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। वे एमए पीएचडी है, उनकी शिक्षा हो चुकी है एमए पीएचडी, और विशेषता वो प्राध्यापिका के तौर पर काम कर चुकी है। वैसे उन्हें लिखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर सफर करना बहुत अच्छा लगता है, और कविता लिखते लिखते उन्होंने एक नाटक भी लिखा है, छोटी सी आशा, जिसका उन्होंने दिग्दर्शन भी किया है और रचनाओं किया, उनके रचनाओं को और उनके सूत्र संचलन को बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा भी है। वैसे उन्होंने अनुवादक के रूप में भी कुछ काम किया है, और हिंदी जर्नल जो होते हैं उन्हें उसमें उन्होंने लेख भी पेश किए हैं। तो ऐसी प्रतिभा संपन्न स्वाति जोशी जी का मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें निमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना पेश करें। धन्यवाद मैम। मैं हिंदी दिवस की सबको बधाई देते हुए अपनी रचना हिंदी पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मैं हिंदी हूँ, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ मैं, सुंदर मीठी सहज सरल हूँ मैं, मेरी बातों में आपकी जज्बातों में ओजस्विनी अनूठी हूँ मैं, पाते हूँ प्रवास में परिचय का सूत्र हूँ मैं, तुलसी कबीर सूर के दोहे में हूँ मैं, तुलसी कबीर सूर के दोहे में हूँ मैं, मीरा की भक्ति गीतों में हूँ मैं, प्रेमचंद हरिओंद की कहानियों में हूँ मैं, महिला उपन्यासकारों की उपन्यासों में हूँ मैं, साहित्य का असीम सागर हूँ मैं हिंदी हूँ मैं, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ मैं, हिंदी फिल्मों के मधुर गीतों में हूँ मैं, भगवा बिरह जैसे लोक गीतों में भी हूँ मैं, और अम्मा के उस पुराने जाते में भी हूँ मैं हिंदी हूँ, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ मैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की देश की मिट्टी के कणकण में हूँ मैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की देश की मिट्टी के कणकण में हूँ मैं, सत्यम शिवम सुंदरम से सुसज्जित हूँ मैं हिंदी हूँ मैं, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ मैं। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी मैं अध्यक्ष समापन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षा उमा देवी सोनी जी को, और वो आप उनकी रचना भी प्रस्तुत करें। दादे कहीं नहीं बोल देख दादे आज की अध्यक्षा उमा देवी सोनी जी। हेलो, हाँ कैसे करने करो। अरे वॉइस आ रही। अच्छा ओके। अरे ठीक है, अरे हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आ रही है ना? हाँ जी, अच्छा से एक बार हिंदी दिवस की बधाई देते हुए मैं बताना चाह रही हूँ कि आज का जो कार्यक्रम रहा वो किस प्रकार से रहा, बहुत बढ़िया। तो गोस्वामी जी ने हिंदी साहित्यकारों की जान के बारे में जो अपनी हिंदी भाषा में कविता कही, बहुत श्रेष्ठ कविता कही उन्होंने, और हमें बहुत अच्छी लगी। और दूसरा है दीप शिखा जी, उन्होंने पुरानी चीजों को हटाकर नई नई चीजों का, नए नए यंत्रों का प्रयोग करते हुए आज के मनुष्यों का क्या उद्देश्य है उसके बारे में कविता कही, बहुत सुंदर। और पाठक जी ने जो बताया आज के जो इंग्लिश का जो माहौल है हमारे पास, इंग्लिश बोलना, लेकिन उसमें आज का युग हमारे देश की तो हिंदी है, हिंदी टूटी फूटी बोलते हैं,
तो उनको अपनी भाषा, अपने देश की भाषा सुधारने का, आगे बढ़ने का, अपनी भाषा को आगे ले जाने का, अरे विदेशी लोग अपना रहे हैं अब तो फिर हमें क्या शर्म की बात है, हमें भी अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से कविता बहुत सुंदर कही। और नीलिमा जी ने भी पक्षियों को की उड़ान से सीखा है उन्होंने कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, सूरज के तेज से सीखा है किस प्रकार से तेजस्वी रहना, तारों से शीतलता पाना, इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप के माध्यम से उन्होंने कविता लिखी है। सोनाली जी ने हिंदी की कविता सुनाई, बहुत सुंदर सुनाई। और सुरेश गीर सर जी ने तो बहुत प्यारी हिंदी के बारे में उन्होंने बताया, और इस प्रकार से कि आज हिंदी की स्थिति देखकर कभी अपनी पलकें गीली हो जाती हैं, तो लाडलों से ये कहना चाह रहे हैं इस प्रकार से मत करो, हिंदी को अपने श्रेष्ठ शिखर पर ले जाओ, सब भाषाएं सीखना हमारा अधिकार है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी हिंदी कोई पीछे नहीं है, हमारी हिंदी बहुत श्रेष्ठ है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, और हमें श्रेष्ठ बनकर उसमें बताना चाहिए कि हमारे देश की भाषा, हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम किस प्रकार से हिंदी भाषी हैं, हिंदुस्तान के हैं, और ये अभिलाषा एक पिता की है, वो अपने लाडले को समझाते हैं। और बागमारे जी, क्रांति जी हैं, उन्होंने भी नारी के संबंध में कविता कही, आज के युग की नारी डर के चलती है, दुपट्टा संभालना पड़ता है, सज्जनता और आदर्श उनके गुण हैं, बहुत श्रेष्ठ नारी को बताते हुए उन्होंने अपनी कविता कही, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियां आज बहुत आगे बढ़ी हैं, बहुत तेजस्वी हैं, हमें अपने आप की सुरक्षा अपने आप करना चाहिए, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है, और थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उन्हें सीख लेना चाहिए इस बात को, और ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कविता थी उनकी। और उषा गोस्वामी जी ने रामायण के संबंध में कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता, जो रावण अपने मन में छुपा रहता है, या ना बुराइयां अपने मन में रहती हैं, उनको निकाल देना आज के मनुष्य का कर्तव्य है, तो हम बहुत अच्छे मनुष्य, आदर्श पुरुष, नारी कहला सकते हैं, ये उन्होंने बात कही। और माने जी ने तो हमें निमंत्रण भी दिया, और नयन जी ने हमको बुलाया, इस प्रकार से हम आपके मंच से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और उन्होंने खून के रिश्ते की बात की, माने जी भाई कहाँ हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने माने जी ने खून के रिश्ते की बात कही, पराई नजरों से देखते हैं रिश्ते भी, इस प्रकार से बात उन्होंने चारों ओर की बताई है कि राजनीति में, सामाजिक राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सब लोग किस प्रकार से अपने आप के रिश्ते को किस प्रकार से दुखदायी बना लेते हैं, वो व्यक्त कर किए हैं, और रिश्ते अच्छे होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, चाहे अपन देश से जुड़े हों चाहे समाज से जुड़े हों, ये बुलाना चाहते हैं, रिश्तों में किसी प्रकार की खोट नहीं आनी चाहिए। आशा मिश्रा जी, डॉक्टर आशा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही नारी के संबंध में, नारी सबला है, नारी अबला नहीं है, गोविंदा का स्वयं रक्षा करते हैं, ऐसा मनुष्य, आज का मनुष्य जो आधुनिक युग का मनुष्य है, उसको भी हमारे समाज की रक्षा इस प्रकार से करना चाहिए, आंखों से ओझल ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा गुण जो बता रही है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कविता। और आशा जी, उनके बाद आशा जी, नारी पर अत्याचार होते हैं, ये तो प्राचीन काल से चला आया है,
और भरी सभा में इस प्रकार से उनका चीरहरण किया गया। तो अब चीर निर्मल नीर के समान नारी का चीर है, उसको किस प्रकार से स्वच्छ रखें, ये बात कही उन्होंने। पानी देना सही सा। नीता गिरी जी अपनी दास्ता कविता में सुनाती हैं नारियों के संबंध में, गोलमाल सुरक्षित रहो। आज का युग गोलमाल है, उससे सुरक्षित रहना अपना कर्तव्य है, नारियों का कर्तव्य भी होता है और सुरक्षा भी रखना चाहिए अपनी। बहुत बड़ी अच्छी कविता सुनाई, रुचि जी ने भी अच्छी कविता सुनाई, जो सब शब्दों के भंडार से वो गहराई तक पहुंची और इस प्रकार से गहराई से पहुंची है कि उन्होंने मान लिया है कि हमें किस प्रकार से शब्द लेकर अपना उद्देश्य पूरा करते रहे। हम कविताओं में उनका जहाँ जिस शब्द का प्रयोग आता है उस प्रकार से भंडार में से लेके अपनी कविता को रचना चाहिए। बहुत बड़ी अच्छी कविता उन्होंने कही। रजनी जी ने भारत को दो हिस्सों में बांट कर कहा है कि ये कहाँ का न्याय है, हमारे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, ये कहाँ का न्याय है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान सभी जानते हैं। तो हमारा मेरा भारत है, मेरा हिंदुस्तान है और पाक तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है मेरे हिंदुस्तान के लिए, तुम अपने इरादे नेक बनाओ, ठीक से रहो, नहीं तो भाई देखो हमारे फौजी भी इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए तो करते रहते हैं, हमारा देश, हमारा सरकार, हमारे फौजी भाई इसी के लिए तो आपको हमेशा तैयार रहते हैं। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर थी। और प्रिया जी ने जो कविता सुनाई है प्रकृति से अपने आप को जोड़कर, बड़ी सुंदर कविता कही। अब सुलक्षणा जी ने भी सुंदर कविता सुनाई है और तहसीन जी ने गुड़िया रानी डॉक्टर बनना चाहती है वो इच्छा प्रकट की है अपनी कविता में और ये बताना चाहा है कि जब वो इस समाज में लज्जित हो जाती है तो माँ मुझे फिर से जन्म दे, मैं फिर से डॉक्टर बनूं और अपने सपने पूरे किस प्रकार से करूं, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, ये संभावना उन्होंने कविता में बताई है। और ये लाज द्रौपदी अपनी बचाओ, दुर्गा रूप धारण करके दुर्गा रूप धारण कर लो और क्योंकि गोविंद गोविंद ना आएंगे, ये इनका नाम मैं भूल गई हूँ, जो गोविंद ना आएंगे, ये बहुत अच्छी कविता लगी, बहुत अच्छी कविता उन्होंने सुनाई थी कि अब आज का आधुनिक युग तो ऐसा है तो भगवान कहाँ सामने प्रकट होते हैं, अब लाज तो हमें अपनी बचाना चाहिए, दुर्गा रूप धारण करना चाहिए, बड़ी मुश्किल में आ जाए तो सामना करना चाहिए, दुर्गा रूप धारण कर लेना चाहिए, बड़ा अच्छा तेजस्वी रूप बताया है उन्होंने अपनी कविता में, बहुत सुंदर कविता। डॉक्टर नयन जी ने वरदान हिंदी, हिंदी तो हमें वरदान के रूप में जो हिंदुस्तान में छाई हुई है और हिंदुस्तानी देखो हिंदी भी हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी की भी बात की उन्होंने कि देखो हम किस प्रकार से कविता रचते हैं, बहुत से लोग अहिंदी हैं यहाँ पर फिर भी कितनी अच्छी हिंदी उनकी, नयन जी की भी कितनी अच्छी हिंदी है, डॉक्टर हैं इतनी अच्छी, सभी क्षेत्रों में उन्होंने साहित्य के सभी क्षेत्रों में काम करती हैं, बहुत अच्छा लिखा है, बड़ी अच्छी उन्होंने हिंदी भाषा का अभिमान रहे मान रहे और
इसका वर्चस्व लहराता रहे, इस प्रकार से उन्होंने कविता सुनाई, बहुत अच्छी। और इनका डॉक्टर स्वाति ज्योति जी हैं, ये तो बड़ी अच्छी संचालिका हैं, बहुत सुंदर संचालन कर रही थी। और राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा भाषा के बारे में बात करती हैं अपनी कविता में कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हैं? लोग कहते हैं राज्यभाषा है, आप कहती हैं राष्ट्रभाषा है, मैं भी कहती हूँ राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा हो जाए, इसमें ही सारे कार्य चलें, सरकार हमारी हिंदी में ही कार्य करे, बहुत अच्छा, हिंदुस्तान हिंदी जिंदाबाद रहे और सारी दुनिया में फहराए, फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कविता। तो इस प्रकार से मुझे बहुत अच्छा आपका हिंदी दिवस कवि सम्मेलन बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत माने जी को और नए डॉक्टर नयन जी को और सभी इधर उपस्थित जितने भी हैं, 20-21 कवि मैंने लिखे इसमें, तो पूरे हमारी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा हिंदी दिवस किया आपने। और मेरी एक कविता मैं आपको सुना देती हूँ हिंदी के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सुनाऊंगी। ओके, सुनाइए। मैं हिंदुस्तान बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा है, हमारा जन्म इसमें हुआ है, तो मुझे बहुत गर्व है। तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी और हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान हमारा हमको दुनिया से प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा हमको दुनिया से प्यारा, संतान है हम सब इसकी हिंदी से लगता न्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा हिंदी के सुंदर नारों ने आजादी हमें दिलाई, हिंदी के सुंदर नारों ने आजादी हमें दिलाई, हम भूल न पाए इसको ये माँ जननी की जाई, हम भूल न पाए इसको ये माँ जननी की जाई, रामायण महाभारत ग्रंथ ने जीत लिया जग सारा, ये हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान हमारा, श्लोक मंत्र यहाँ गूंजे ये धरती अमर को चूमे, श्लोक यंत्र यहाँ गूंजे ये धरती अमर को चूमे, हरी भरी सब फसलें उन्हें देख किसान भी झूमे, हरी भरी सब फसलें उन्हें देख किसान भी झूमे, कृषि प्रधान नजारों में लहराए तिरंगा प्यारा, कृषि प्रधान नजारों में लहराए तिरंगा प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान हमारा, गांव शहर सब मिलकर हर तीज त्योहार मनाए, गांव शहर सब मिलकर हर तीज त्योहार मनाए, श्री गंगा यमुना सरस्वती दिन रात गीत ये गाएं, श्री गंगा यमुना सरस्वती दिन रात गीत ये गाएं, भोर करें हम वंदे मातरम जनगण सांझ हमारा, भोर करें हम वंदे मातरम जनगण सांझ हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान हमारा, फौजी दल सीमा पे लड़ दुश्मन को जीत के आए, फौजी दल सीमा पे लड़ दुश्मन को जीत के आए, हर कदम कदम पर आगे बढ़ ये देश पर बलि बलि जाए, हर कदम कदम पर आगे बढ़ ये देश पे बलि बलि जाए, भारत माँ की रक्षा में रत देशभक्ति की धारा, भारत माँ की रक्षा में रत देशभक्ति की धारा, ये हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान हमारा। अंतिम है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दे महारानी इसे बनाए, वही बात आ गई आपकी, राष्ट्रभाषा का दर्जा दे महारानी इसे बनाए, हम सब हिंदी में पढ़े लिखे
हिंदी में देश चलाएं, हम सब हिंदी में पढ़ें लिखें, इस देश को हिंदी में देश चलाएं, हिंदी देश पर हिंदी शासन होगा उमा इशारा, हिंदी देश पर हिंदी शासन होगा उमा इशारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, हमको दुनिया से प्यारा, हमको दुनिया से प्यारा, संतान है हम सब इसकी, हिंदी से लगता न्यारा, संतान है हम सब इसकी, हिंदी से लगता न्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही सुंदर मैम, हिंदुस्तान का पूरा वर्णन आपने किया है, पूरे भारत देश का वर्णन आपने किया है। राष्ट्रभाषा एक सपना है पूरे देश में, राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान में हो जाए और तब ये सपना हमारा पूरा साकार हो जाए, हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा पूरे देश में एक भाषा में वो पिरोए जाए, हिंदी भाषा। थैंक यू, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम। अब मैं शब्दांत साहित्य मंच के कवि सम्मेलन के आभार प्रदर्शन के लिए नीलिमा देशमुख मैम को आमंत्रित करती हूँ। नीलिमा देशमुख मैम जुड़ी है क्या? है ना मैम? हाँ बोलिए। आप सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्ते। मैं नीलिमा देशमुख धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मंच पर उपस्थित कवि सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय उमा देवी सोनी जी हैदराबाद से हैं, सुरेश जी सागर सर, शब्दांकित साहित्य मंच के अध्यक्ष विजयताई जी भनगे, सचिव उषा जी भोसले, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नयनताई राजमाने व अन्य पदाधिकारी व सभी सदस्य, इनका मैं धन्यवाद देती हूँ। पिछले 2 घंटे से आप सभी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। सब रचना बहुत बहुत सुंदर हो रही सुंदर हुई है। उनका समीक्षण भी उमा देवी जी ने बहुत अच्छा किया है। प्रभावशील रचना से हमें कि हमको सबने सब रचनाएं आकर्षित किया है। आदरणीय मैडम, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथियों को यहाँ आमंत्रित करने करके जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया है वो हमारे शब्दांकित मंच के अध्यक्ष डॉक्टर नयनताई राजमाने, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सदस्यों ने आपकी रचनाएं सादर करके योगदान दिया है, जिनके वजह से ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हुआ है। उन सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित श्रोतागण वो हमें हर समय ऊर्जा देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हर एक का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जोशी ने हर सादरीकरण का क्रम लगाकर बहुत ही उचित नियोजन किया, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मंच का उद्देश्य जिसने अपने प्रभावशाली भाष्य से सादर किया वो डॉक्टर नयनताई राजमाने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी का फिर एक बार बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए हम अब विदा लेते हैं एक दूसरे से। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, शुभ रात्रि सभी को।